दोस्तों नमस्कार मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और अब सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है सामने माँ बाप को कि अच्छा कोचिंग सेंटर कौन सा होगा क्योंकि एक अप्रैल से जो हैं स्कूल्स लगने चालू हो रहे हैं और क्लासें लगने वाली हैं और कोचिंग सेंटर इधर उधर ढूंढ रहे हैं मैं भी कोचिंग सेंटर ढूंढ रहा हूँ अपने बच्चों के लिए और अभी हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर ग्यारह बारह हुडा में मदर टेसा के पास एक कोचिंग सेंटर हैं जेनेसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा कुरक्षेत्रा और करनाल में तो सोचते थे भी हमारे बच्चे करनाल या कुरुक्षेत्रा कैसे पहुंचेंगे तो अच्छी बात यह है कि अब जेनेसिस क्लासेस जो हैं पानीपत में पहुंचा है कोलोब्रेशन हुआ है किन साथ हुआ है वो भी आपको बताएँगे और इन जेनेसिस क्लासेस के डायरेक्टर जो हैं अमित जी वो हमारे साथ रहेंगे और बताएंगे कैसे आना हुआ पानीपत में और क्या क्या ये लोग करेंगे द हाइट्स पावर्ड बाय जेनेसिस क्लासेस ये दोनों का कोलब्रेशन है और पानीपत में अब पहुँचे हैं इनसे बातचीत करते हैं अमित जी स्वागत है पहले पानीपत में आपका थैंक यू सर थैंक यू सो मच उम्मीद करें कि करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे आप लोगों ने नाम कमाया पानीपत में भी ऐसा होगा बिल्कुल होगा सर आने वाले सालों में आपको ये सेंटर आसमान की बुलंदियाँ छूता नजर आएगा वहाँ कैसे बुलंदियाँ छूएँ थोड़ा सा दर्शकों से साझा करना चाहें फिर अगली बात करेंगे सर जो जे सेंटर है द हाइट्स पावर्ड बाय जेनेसिस क्लासेस ये दा हाइट्स और जेनेसिस क्लासेस का कलेब्रेशन है दा हाइट्स थर्ड टू टेंथ सेगमेंट तक वर्क करता है और जेनेसिस क्लासेस प्लस वन प्लस टू में हम यहाँ पे थर्ड टू टेंथ सेगमेंट लेके आए हैं हमने पिछले छः सात सालों में कुरुक्षेत्रा करनाल में वर्क करके इंटरनेशनल लेवल पे वेरियस रैंक्स अचीव की हैं और हमारे बच्चों ने स्कूल में हर साल फर्स्ट रैंक अचीव की है वही हम यहाँ पे अपनी टीम के साथ वही वर्क करने यहाँ आए हैं तो अभी कब से स्टार्टिंग कर रहे हैं आप लोग थोड़ा सा एड्रेस के बारे में बताएँ और माँ बाप कैसे विश्वास करें आपके ऊपर सर विश्वास करने के लिए तो मेरा ये कहना है कि हमारा नाम ही काफ़ी है आप कुरुक्षेत्रा करनाल में हमारे बारे में पूछिए वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारी सर्विसेज कैसी हैं दूसरा हम जो यहाँ बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो फोर्थ अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारी टीम है वो हाईली क्वालिफाइड है वेल well एक्सपीरियंसड है और जो हमारा कोर्सवेयर जो स्टडी मटेरियल है वो सबसे बेस्ट है कैसे कोचिंग में कैसे सहायता करते हैं बच्चों की आप लोग सर पहले हम बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट हो पहले बेसिक लेवल से चलते हैं फिर धीरे धीरे बच्चे का लेवल हम एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं जब वो स्कूल में कॉन्फिडेंट हो जाता है तो बच्चे को लगता है कि हाँ अब मैं नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकता हूँ अदरवाइज जब बच्चा स्कूल में ही मार्क्स नहीं गेन कर पा रहा होता तो उसे लगता ही नहीं है कि मैं नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाऊँ तो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे स्कूल में अच्छे मार्क्स गेन करे देन वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर अचीव करे आपका कुछ साझा करना चाहिए आपका बच्चा कोई स्टेट लेवल तक नेशनल लेवल तक पहुंचा हो सर अभी परसों ही रिज़ल्ट आया है साइंस ओलंपियाड का इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस उसमें हमारे तीन स्टूडेंट ने इंटरनेशनल रैंक वन अचीव की है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर करके और इसके अलावा अब तक जितने ओलंपियाड्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं उसमें हमारे बच्चे तकरीबन सिक्सटी स्टूडेंट्स टॉप हंड्रेड में नेशनल लेवल पर रैंक्स अचीव कर चुके हैं दिस ईयर इसके अलावा अगर आप हमारे टर्म वन के टेंथ बोर्ड के रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैथ साइंस इंग्लिश एस एस में फुल स्कोर फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी अचीव किया है पानीपत में क्योंकि पानीपत में कई एजुकेशन सेंटर हैं कोचिंग सेंटर हैं ऐसे में बेस्ट कैसे आप लोग देंगे क्योंकि अभी विश्वास की बात है मैं बच्चा आपके सेंटर में क्यों भेजूं किस लिए भेजूँ वो कैसे विश्वास जमाएँ देखिए सर क्या होता है जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो नाइन टू तो ट्वेल्थ वर्क करते हैं हम हमारा सेगमेंट थर्ड ऑनवर्ड्स से लेके आए हैं जब बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी उसकी आगे की मंजिल आसान होगी बट क्या होता है बच्चा क्या करता है नाइन्थ में कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना स्टार्ट करता है उससे पहले उसने वो कंपटीशन कभी फेस नहीं किया होता तो वो स्ट्रेस में आ जाता है तो हमारा टारगेट रहता है कि बच्चा जब जूनियर क्लासेस से आना स्टार्ट होता है तो वो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में कैसे अच्छे रैंक अचीव करता है तो जो जाके उसे फ्यूचर में हेल्प करता है यही हमारा फोटे है यही हमारा प्लस पॉइंट है बच्चे की हिचक कैसे उतारते हैं क्योंकि आप अभी बता रहे हैं कि बच्चे की हिचक नहीं उतरती बच्चा का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ नहीं जाता कैसे करते हैं जो सर हमारे मोस्टली स्टाफ मेंबर्स रहते हैं वो फीमेल स्टाफ मेंबर रहते हैं जिससे बच्चा क्या होता है एक मदर टच फील करता है कई बार आप भी देखेंगे कि आपका बच्चा होगा तो वो आपसे डरता होगा और मदर से ज़्यादा फ्रेंडली होगा तो यहाँ पे जब बच्चा आता है पहले जो स्टाफ मेंबर है उसे उसकी प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं हमारे स्पेशली एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं हर पेरेंट के टच में रहते हैं क्योंकि पेरेंट से अच्छा टीचर आज तक कोई नहीं हुआ और उसकी प्रॉब्लम पेरेंट ही बता सकता है तो इंडिविजुअल बच्चे की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके टीचर देन उस पर वर्क स्टार्ट करता है तो फैकल्टी के बारे में बात की जाए क्या फैकल्टी रही है फैकल्टी सर हमारी करनाल से भी रहेगी और यहाँ से भी रहेगी जो बेस्ट हम बच्चों के लिए दे सकते हैं वो यहाँ हम फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे चार अप्रैल से बैच शुरू करने जा रहे हैं कितने से कितने में तक रहेगा और बेसिकली आप लोग कितनी क्लास से शुरू करते हैं और कब तक ये रहता है देखिए सर ये डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से कोर्स में इनरोल हो रहा है अगर बच्चा सपोज करते हैं सिक्स क्लास में आ रहा है तो उसे हमारे पास फुल वीक आने की नीड नहीं है हम उसे जस्ट थ्री डेज़ के लिए बुलाते हैं बाकी दिन उसके स्कूल वर्क और अगर वो कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो वो भी उसके लिए फ्री रहता है हमारे लिए थ्री डेज़ इनफ है ताकि हम उसके कंसेप्ट और एडवांस लेवल स्ट्रॉग कर सकें अगर बच्चा नाइन टेंथ में इनरोल हो रहा है तो उसे फोर डेज इन अ वीक आना है और हमारी जो टाइमिंग रहती है क्लास टाइमिंग वो फोर टू सेवन पी रहती हैं अभी जैसे मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ और आपका ब्रांच होडा में है तो मेरे आने जाने के मेरे बच्चों को आने जाने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है आपके पास बिल्कुल है सर हम हर एंड से हर कोने से पानीपत के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बच्चे को घर से ट्रांसपोर्टेशन हमारी कैब पिक करेगी यहाँ पे सेफली वो पढ़ के आपके घर सेफ पहुँचेगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहें और उसे सस्ती होगी या और महंगा होगा देखिए सर ओवरओ का मैं नहीं कह सकता सस्ता है या महंगा है बट ये है कि अगर बच्चा कैलिवर्ड है वो यहाँ आए स्कॉलरशिप टेस्ट दे उसके बेस पे उसकी फ़ीस बड़ी नॉमिनल होगी आपके यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट भी अगर बच्चा सही तरीके से पास करता है उसके लिए कोई खास फैसिलिटी कुछ नहीं है सर उसे अपने बस बेस पे वर्क करना है जो उसने अभी पढ़ा है सपोज बच्चा अभी सिक्स से सेवन्थ है तो सिक्स के उसके बेसिक्स यहाँ पे जज किए जाएंगे उस टेस्ट में अगर वो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ी में उसको रिलैक्सेशन मिलेगी और कुछ बताना चाहें पब्लिक को जनता को अपने बारे में देखिए मैं सर यही कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी बच्चा कॉम्पिटिशन फेस करना स्टार्ट करेगा उतनी जल्दी वो आगे अच्छी रैंक्स अचीव कर पाएगा हमारा टारगेट बच्चे को फर्स्ट ईयर ही स्ट्रेस देके उसे रिजल्ट लेना नहीं है हमारा टारगेट है कि बच्चा रिलैक्स रहे कंसेप्ट को समझे ना कि क्रैम करे कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं क्रैमिंग पार्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि ये क्वेश्चन है मुझे ये क्रैम करना है और यही लिख के आना है हमारा पर्पस वो नहीं है हमारा पर्पस है कि वो क्यों पढ़ रहा है उसे कैसे समझना है और उसे आगे एग्जीक्यूट कैसे करना है रट्टा लगाने वाला काम नहीं रट्टा लगाने वाला बिल्कुल काम नहीं है टोटली समझने वाला काम है तो अमित जी हमारे साथ डायरेक्टर थे ब्रांच मैनेजर जहाँ के उनसे भी बातचीत करवाएंगे लेकिन अच्छी बात और अच्छी खुशखबरी पानीपत के लिए लिए है कि पानीपत के बच्चे जो करनाल जाया करते थे जैन क्लासेस में अब वो पानीपत में रहकर जो है कोचिंग ले सकते हैं एड्रेस जो है आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे जो है चल रहा है एड्रेस भी चल रहा है फ़ोन नंबर भी चल रहा है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं अब जो यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं उनसे बातचीत करवाते हैं वो क्या फैसिलिटी पानीपत में देने जा रहे हैं तो जिस क्लासरूम में बैठा हूँ यहाँ आपके बच्चे बैठेंगे कोचिंग लेंगे अच्छा एटमोसफेयर है और सेक्टर ग्यारह बारह नियर मदर ट्रेशा एड्रेसपुरा अक्षय ग्रोवर जी बताएंगे ब्रांच मैनेजर हैं ये यह पूरा यहाँ संभालते हैं सर अच्छी बात है कि जेनेसिस जो है पानीपत में स्टार्ट होने जा रही हैं क्या फैसिलिटी देने जा रहे हैं सर बेसिकली बताना चाहूँगा कि ये जो सेगमेंट है थर्ड टू टेंथ वाला यहाँ पर पानीपत में जितने भी प्लेयर्स थे वो सब लोग लो होम ट्यूटर्स हैं मतलब कोई भी आपको स्कूलिंग के साथ साथ कॉम्पिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कराता है हम लोग जो है सर बच्चों को उनके स्कूल एग्जाम के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं और ये पानीपत में मैं ये बताना चाहूँगा कि एक नया ही कंसेप्ट है मतलब ओलंपियाड्स आपका एन टी एस सी के वी पी वाई इस तरह के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हम लोग बच्चों को इन पर भी रेडी करते हैं सो so, ब्रांच का आपको एड्रेस बताऊँ तो सर ये हम लोग सेक्टर ट्वेल्व एस सी ओ नाइन मदर टेरेसा पानीपत और से अलग क्या है जेनिस सर हम लोगों का अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे हम लोग और से बहुत ही अलग है हमारा कोई कॉम्पिटेटर नहीं है इस सेगमेंट में पहला तो और नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स और लेगेसी अगर आप हमारी देखेंगे हम लोग पिछले सात सालों से करनाल और कुरुक्षेत्रा में सर्विसेज दे रहे हैं तो बहुत ही नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं और अभी हम लोग सिमिलरली यही पानीपत में भी इसी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि अगले साल यहाँ से भी हम लोग अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे रिज़ल्ट यहाँ से प्रोड्यूज़ करें इस पानीपत ब्रांच से भी शहर के लिए आपके ट्रांसपोर्ट है अगर बच्चा को गांव से आना हो उसके लिए भी कुछ है फैसिलिटी सर हम लोग नियर बाय पानीपत रीजन के हर मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हैं हमारे यहाँ से थर्मल रिफाइनरी तक से भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है और रिसालू बापोली तक भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हैं तो उम्मीद है कि पानीपत को रिजल्ट देंगे आप लोग डेफिनेटली सर definitely हम लोग यहाँ पे आ, मतलब हम लोग आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी admissions हुए हैं सब ऑलमोस्ट जो हैं अच्छे बच्चे हैं और अच्छे ही स्कूल्स के एडमिशन हैं कुछ toppers भी हैं हम लोगों के पास तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पेरेंट्स आकर एक बार मिलें और यहाँ पर आकर के इंक्वायरी पुट करें और पूछें अगर उनको कोई डाउट्स आ रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से कॉम्पटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं या हमारा मेटीरियल किस तरीके से है और हम लोग बच्चों किस तरीके से हेल्प करते हैं उसके बेसिक के साथ साथ उसको एडवांस लेवल पर ले जाने की तो बच्चे जब आकर मिलेंगे पेरेंट आकर के मिलेंगे तो हम लोग उनको बता पाएंगे सारी सर्विसज़ के बारे में और हमारे रिजल्ट के बारे में जो प्रीवियस रिजल्ट से हैं हां हमारे। तो भी रखे हुए हाँ सर हम लोग डेमो भी स्टार्ट कर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ ऑफ अप्रैल से जैसे हम बताया सर ने कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो हम लोग डेमो भी देंगे अगर मान लीजिए किसी बच्चे को दो चार दिन या दस दिन आकर के देखना चाहता है तो वो डेमो के लिए भी आ सकता है हमारे पास मतलब वो कहते हैं सबको परखा एक बार मेरे को परखो एक बार बिल्कुल बिल्कुल सर डेफिनेटली हम लोग हम लोग इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम लोग क्या क्वालिटी डिलीवर करने वाले हैं तो इसलिए हम लोग डेमो देने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे बच्चा आना चाहता है दो चार दिन दस दिन आकर के उसके बाद वो एडमिशन प्रोसेस करना चाहता है तो वो उसके बाद भी कर सकता है हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं सर पेरेंट्स और बच्चों को सभी को कि आप आएँ एक बार मिले और आप अगर डेमो चाहते हैं तो आप अगर डेमो दिलवाएं अपने बच्चे को बिल्कुल डेमो भी आप ले सकते हैं सेक्टर ग्यारह बारह नियर मदर ट्रेसा एड्रेस जो है अक्षय ग्रोवर जी ने बता दिया एक बार आएं जरूर डेमो क्लासेस लें डेमो क्लासेस में आपको रिजल्ट जो है जेनेसिस का पता लग जाएगा कि ये लोग क्या करवाते हैं कुरक्षेत्र और करनाल में पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पानीपत में अभी ये लॉन्च होने जा रहा है और चार अप्रैल से जो है इनके बैच जो है शुरू होने जा रहे हैं एड्रेस आपके स्क्रीन पर हैं एक बार अवश्य आएँ जैसा कि कह रहे थे कि सबको परखा बार बार हमको परखो एक बार एक बार परख में नहीं पता लग जाएगा कि कितना दम है एड्रेस आपको बता दिया है अमित जी ने पूरी डिटेल बताई है कि जेनेसिस क्या है और क्यों आप लोग जेनेसिस में आए एक बार जरूर आएँ वाइस ऑफ पानीपूत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह